बच्चों मैं नीरज आज की इस बातचीत में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ कविता का शीर्षक है चींटा। यह कविता द्वारा प्रकाशित कक्षा दो की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी से ली गई है बच्चों एक बात बताओ आज का यह प्रोग्राम आप किसके साथ बैठकर देख रहे हैं अपने भाई बहन के साथ या मम्मी पापा के साथ या फिर दादी नानी के साथ जिन लोगों को हम प्यार करते हैं अक्सर उन्हीं के साथ अपना ज्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी काम कर देते हैं जैसे मैं अपनी माँ के लिए चाय बनाती हूँ तो वे बहुत खुश हो जाती हैं सिर्फ इतना ही नहीं चाय साथ बैठकर पीना उन्हें और भी ज़्यादा पसंद है उन्हें खुश देखकर मेरी खुशी भी दोगुनी हो जाती है बच्चों आप भी तो अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ काम करते होंगे और बदले में खुद भी खुश हो जाते होंगे आज हम जो कविता गाने वाले हैं उसका मुख्य पात्र है चींटा। चींटा भी अपनी चींटी के लिए कुछ काम करने वाला है चींटी कहीं बाहर गई हुई है और चींटा घर पर है जरा सोचिए वह चींटी के लिए क्या क्या कर सकता है घर साफ कर सकता है या फिर खाना बना सकता है और सोचिए आइए देखते हैं कि चींटा और क्या क्या कर सकता है चींटा चींटा दूध ला दूध ला कर दही जमा बढ़िया बढ़िया दही जमा खट्टा मीठा दही जमा तो यहाँ चींटे को सलाह दी जा रही है कि वह दूध लाए उसका दही जमाए और दही भी कैसा खट्टा मीठा। चलिए आगे देखते हैं कि और उसको क्या सलाह दी जा रही है चींटा चीटा, चीटा गन्ना ला गन्ना ला कर शक्कर बना चींटी भूखी आएगी झटपट वो खा जाएगी तो यहाँ चीटी के खाने के इंतजाम की बात हो रही है कि चींटी जब घर आएगी तो उसे भूख लगी होगी तो उसके लिए पहले ही शक्कर बनाकर रखे और शक्कर किससे बनती है जी हाँ गन्ने से और क्या बनाया जा सकता है चींटी के लिए चीटा चीटा शक्कर ला शक्कर लाकर शरबत बना चीटी प्यासी आएगी छटपट वो पी जाएगी चींटी जब बाहर से आएगी तो उसे प्यास लगी होगी तो चींटा उसके लिए शरबत बना सकता है शरबत बनाने के लिए उसे शक्कर की जरूरत पड़ेगी हम्म और क्या कर सकता है चींटा? हाँ घर बना सकता है चींटा चीटा घर बना चींटी धूप से आएगी देख के खुश हो जाएगी झट से वो रुक जाएगी चींटी बाहर धूप से बेहाल आएगी तो अगर घर बना हुआ होगा तो वह आराम कर सकती है चींटा चीटा, चीटा बाजार जा शक्कर ला चावल ला रोटी ला पानी ला झटपट जा झटपटा चींटी जब घर आएगी देख के खुश हो जाएगी तेरे ही गुण गाएगी तेरे ही गुण गाएगी अगर चींटा झटपट यानी जल्दी से बाजार जाकर शक्कर चावल रोटी पानी आदि चीजें लाकर चींटी के लिए तैयार रखेगा तो चींटी खुश हो जाएगी और वह चींटे की ही बात करेगी उसकी खूब प्रशंसा करेगी इससे चींटी भी खुश और चींटा भी दोनों हंसी खुशी रहेंगे तो बच्चों यह थी कविता चींटे की आशा करती हूँ कि आपको भी यह कविता पसंद आई होगी इस कविता को एक बार आप अपने आप जरूर गाकर देखिए आइए एक बार इस कविता को फिर दोहराते हैं चींटा चींटा दूध ला दूध लाकर दही जमा बढ़िया बढ़िया दही जमा खट्टा मीठा दही जमा चीटा चीटा गन्ना ला गन्ना लाकर शक्कर बना चीटी भूखी आएगी झटपट वो खा जाएगी चीटा चीटा शक्कर ला शक्कर लाकर शरबत बना चीटी प्यासी आएगी झटपट वो पी जाएगी चीटा चीटा घर बना चीटी धूप से आएगी देख के खुश हो जाएगी झट से वो रुक जाएगी चीटा चीटा बाजार जा शक्कर ला चावल ला रोटी ला पानी ला झटपट जा झटपटा। चींटी जब घर आएगी देख के खुश हो जाएगी तेरे ही गुण गाएगी वो तेरे ही गुण गाएगी प्यारे बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि कविता के नीचे लिखा है एकलव्य। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया है क्योंकि यह कविता एकलव्य के पब्लिकेशन से ली गई है इसलिए उनको आभार व्यक्त करते हुए कविता के नीचे उनका नाम लिखा गया है बच्चों आप जब भी किसी कविता या कहानी को पढ़ें यह जरूर देखें कि वह किसने लिखी है और उन्हें मन ही मन आभार प्रकट करें कि उन्होंने इस कविता या कहानी को लिखा और आप उसे पढ़ पाए चलिए अब बहुत हो गई बातें अब समय है चित्रकारी करने का इस कविता में चीटे को कुछ काम करने के लिए कहा गया है वे क्या क्या काम है याद करके बताइए सबसे पहले चींटे को दूध लाने को बोला गया था फिर उस दूध का दही जमाने को बोला था उसके बाद हाँ गन्ना लाने को भी तो बोला था और बहुत सारे काम करने थे ना चींटे को तो बच्चों आपको इन्हीं कामों से संबंधित चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्थान पर बनाने हैं चित्रों की सहायता से काम बताने के बाद आपको कुछ संबंधित वाक्य भी लिखने हैं जैसे चींटे को दूध लाना है फिर उसे दूध से खट्टा मीठा दही जमाना है आदि हमने कविता को मज़े से गा लिया हमने चित्रकारी भी कर ली कुछ वाक्य भी लिख लिए अब समय है कुछ बनाने का तो आइए कुछ बनाए अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने किसी मित्र के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए इस धन्यवाद कार्ड पर आप लिख सकते हैं कि आप यह धन्यवाद कार्ड उन्हें क्यों दे रहे हैं आप उनकी किस बात का धन्यवाद करना चाहते हैं इसके अलावा उस कार्ड पर क्या लिखना चाहेंगे आप नाम हाँ बिल्कुल आप अपना और उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए आप उस पर चित्रकारी भी कर सकते हैं यह देखिए मैंने भी एक धन्यवाद कार्ड बनाया है अपनी माँ के लिए और मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं उन्हें यह कार्ड दूंगी तो वे बहुत खुश हो जाएंगी देखिए मेरा धन्यवाद कार्ड आप भी इस तरह के धन्यवाद कार्ड के जरिए आभार प्रकट कर सकते हैं इसी के साथ मैं नीरज आपसे अलविदा लेती हूँ खुश रहिए स्वस्थ रहिए नई नई बातें सीखते रहिए नमस्कार